हरे कृष्णा। ओम अज्ञानितिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता की आज के इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक संख्या 25। ये श्लोक इस तरह से है। देवमेव परियज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नो अपरियज्ञम् यज्ञेनैव उपजुहति। आइए अब इस श्लोक के शब्दार्थ को समझते हैं। देवम अर्थात देवताओं की पूजा करने में, एव इस प्रकार, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, योगिनः योगी जन, पर्युपासते भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म परम सत्य का, अग्नौ अग्नि में, अपरे अन्य, यज्ञम यज्ञ को, यज्ञेन यज्ञ से, एव इस प्रकार उपजुहति अर्पित करते हैं। भावार्थ देखते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें किस तरह से भावार्थ के माध्यम से इस श्लोक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यहां अलग अलग प्रकार के योगियों का वर्णन किया गया है। कुछ योगी क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं और देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में, मतलब सर्वोच्च भगवान के अग्नि में आहुति डालते हैं। आइए अब इस श्लोक को हम तात्पर्य के माध्यम से समझते हैं। परपर्ट बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वो ही पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं, उसके अलावा दूसरे प्रकार के भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। एक वो लोग हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वो पूर्ण योगी हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म अर्थात परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। परम ब्रह्म अर्थात परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए, वो साकार स्वरूप को नहीं मानते। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं, अनेक श्रेणियां हैं। यज्ञ कई तरह के हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये श्रेणियां या कोटियां केवल एक एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन है, बाह्य वर्गीकरण है कि हम यज्ञों के माध्यम से उन व्यक्तियों को पहचानते हैं। वस्तुतः वास्तव में क्या है, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं और यज्ञ का तात्पर्य क्या होता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, केवल दो श्रेणियां, 1 और 2। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, जो हम सांसारिक द्रव्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं वो है द्रव्य यज्ञ, और दिव्य ज्ञान के लिए किया गया यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ। तो दो प्रकार के यज्ञ हो गए, एक द्रव्य यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। वो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए उसको लगा देते हैं। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। जो व्यक्ति भौतिक सुख चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो मटेरियल वर्ल्ड से कलेक्ट की गई सामग्री है, जो भी धन संपदा है, उसको दूसरे देवताओं की सेवा में लगा देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, ये दो तरीके की श्रेणी हो गई, एक कृष्ण भावना भावित, एक जो देवताओं की पूजा करते हैं, और तीसरे जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं।
वो साकार स्वरूप तो भगवान का मानते ही नहीं है, इसीलिए निराकार ब्रह्म में अपने आप को समाप्त कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये लाइन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये देवता लोग जो हैं, जो देव लोग हैं, इनका क्या कार्य है और उन्हें किसने रखा है उन कार्यों के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है, परम भगवान ने देवतागणों के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करें जैसे सूर्य, प्रकाश प्रदान करें जैसे सूर्य और चंद्र, शीतलता प्रदान करें चंद्र, जल दें जैसे वरुण देव। तो ऐसे कार्यों के लिए भगवान ने उनको नियुक्त कर रखा है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, रक्षा चाहिए तो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। इस तरह से जो भौतिक जगत के लोग हैं वो तरह तरह के देवताओं के अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा करते हैं। ऐसे लोग क्या कहे जाते हैं? ऐसे लोगों को यहाँ प्रभुपाद ने एक नाम दिया है, बहुईश्वरवादी। बहुईश्वरवादी, बहुत सारे ईश्वर वो मान के रखते हैं, इस काम के लिए, इस काम के लिए, इस काम के लिए, अलग अलग ईश्वर, अलग अलग पोर्टफोलियो वाइज। जो ऐसे लोग हैं वो जो ऐसे अनेक देवताओं में विश्वास रखते हैं, एक ईश्वर में विश्वास नहीं करते वो, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं, कृष्ण में, और सारा कुछ कृष्ण ही प्रदान करते हैं, सारा कुछ कृष्ण से ही आता है, ऐसा उनका मत होता है। जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। अपने आप को समाप्त कर दिया उन्होंने, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। ये निर्विशेषवादी फिलोसॉफिकल स्टडीज करते रहते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में सोचते हैं और भगवान की ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं बढ़ पाते, ब्रह्म ज्योति में ही लीन हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, अर्थात उसका यज्ञ करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। जो भौतिक उपाधियां हैं उनकी, जो स्टडीज हैं, जो पद है, जो गरिमा है, उसको आहुति दे देते हैं, अपने आप को समाप्त कर देते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय होना ही उसके लिए पूर्ण आहुति है। यह हमें समझ लेना चाहिए कि क्या अंतर है इनमें, निर्विशेषवादी में और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसमें। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, आगे अब वो पॉइंट, अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है, सरेंडर हो जाता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति और उसके साथ साथ आत्मस्वरूप वो खुद भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। उसने सारी अपनी भौतिक संपत्ति भी दे दी और खुद भी समर्पण कर दिया। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता, उसका अपना स्वरूप रहता है, क्योंकि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होता, भगवान के साथ रहता है। इसीलिए कहते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो ना स्वर्ग में रहता है ना नर्क में रहता है, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हर समय भगवान के साथ रहें, हमारी जीवा पर हर समय भगवान रहे, हमारे मस्तिष्क में हर समय भगवान रहे, हमारे कर्मों में हमेशा भगवान रहे और कोई न रहे। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।